अच्छा तो सीनान, तुम भी कुछ बताओ, क्या बात है, तुम्हारी कोई लव स्टोरी शुरू नहीं हुई क्या? हाँ है भी और नहीं भी। हाँ वो क्या है कि असल में कुछ नहीं है। हाँ उमर की तरह तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं मिली क्या? नहीं नहीं मिल गई। अच्छा तुम भी अजीब अजीब हरकतें करती हो। नहीं नहीं मिली बेचारे को, गलत फहमी हो गई थी मुझे बेचारे। नहीं 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 मिली यार। आप पियेंगे क्या? नो थैंक्स। और आपको दूं? नहीं मैं नहीं लेती। आप अपना हाथ तो दिखाओ। अंगूठी कहाँ है? क्या तुम अंगूठी नहीं पहनती हो? कौन सी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी नहीं होती क्या? क्या मैं अंगूठी नहीं पहनती? नहीं पहनती क्या? पहनती क्या है? नहीं पहनती। नहीं पहनती क्या? पहनती हूँ पर वॉशरूम में भूल गई होगी। हाँ अंगूठी बहुत जरूरी है, ये यादगार होती है, प्यार की निशानी होती है। हाँ बिल्कुल, पहन के दिखाओ हमें। मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कि उमर ने कैसी अंगूठी देकर तुम्हें प्रपोज किया होगा। पहन लेती हूँ, वॉशरूम में पहन के आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं आता हूँ। बैठो स्वीट हार्ट, बैठो। बस अभी आया, शुरू करो। ये लोग नए कपल जैसे हैं, इसलिए इन दोनों को आदत नहीं है अंगूठी पहनने की। वो ओह थैंक गॉड, लाता होगा अंगूठी, रुको। स्वीट हार्ट इधर आओ, आओ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम, इसे हमेशा याद रखना। बहुत जबरदस्त। उमर ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। तुम पहली बार नहीं देख रही, ये हमारी मंगनी की अंगूठी है। बहुत आला उमर, बहुत आला, तुमने बहुत अच्छी लड़की का इंतखाब किया है, तुम्हारी पसंद हमें बहुत अच्छी लगी। बाचाला। किसका बच्चा लो? नहीं नहीं वो इटालियन में किस करने को कह रहे हैं। कर लो बाचाला। अरे करो ना, बोलो बाचाला। हाँ ठीक है।
बकलावा लाई है क्या? मैक्रोन्स डार्लिंग, मैक्रोन्स। लाए लाए। हो गया, आइए। वाओ, एंजॉय करो। हेलो आंटी। हाँ, समझ गई मैं उमर, रिलैक्स। उमर, तुम्हारी चाची उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ, बिल्कुल। उमर, सब कुछ कमाल था, हमको बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब हम वो देखना चाहते हैं, वो खास पीस। हाँ, खास पीस। हाँ वही, हम उस डिजाइन को प्रोडक्शन यूनिट से सीधा मार्केट में भेजेंगे और वो लॉन्च इटली में होगा। क्या हुआ, जल्दी लेके आओ ना। उमर, सब कुछ कमाल था, हमको बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब हम वो देखना चाहते हैं, वो खास पीस। हाँ, खास पीस। हाँ वही, हम उस डिजाइन को प्रोडक्शन यूनिट से सीधा मार्केट में भेजेंगे और वो लॉन्च इटली में होगा। क्या हुआ, जल्दी लेके आओ ना। दे दो जूते, बच्चा मुश्किल में लग रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें। अगर उसने पूछ लिया कि कहाँ से मिले हैं तब क्या कहेंगे। उमर, जूते 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 तो दिखा देंगे ना। मैं आपको अभी कुछ फनी बात बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। वो अपनी यास्मिन, डेफनी, यास्मिन की नकल उतारो। डेफनी जो है यास्मिन की बहुत अच्छी नकल उतारती है। अच्छा। चलो डेफनी, करके दिखाओ। क्या नकल करूं? किसकी? यास्मिन की। यास्मिन मैडम की। हाँ बिल्कुल, ये यास्मिन को जानते हैं। ओ अच्छा, चलो भाई। क्यों नहीं, बिल्कुल। उमर, तुम हमें बहुत थका देते हो, सिनान की तरह रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, ये बताइए बताइए कौन है, ठीक है ना। अच्छा, मीने, मेरा सर फट रहा है। मीने, तो उनकी चाय बनाओ। तुम भी ना। उमर की करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे देखना है। ठीक है फिर, चले देखें आप। डेफनी, कल का स्केड्यूल तैयार करो, कल जाके कुछ पीसेस चेक करने हैं। वक्त कम है, जल्दी करो, काम करो, टाइम नहीं है। डेफनी, डेफनी मेरा पानी। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ, पियेंगे ना आप लोग? हाँ बताइए। अच्छी एक्टिंग करती है। फंटास्टिक। जरा लड़के को तो देखो, कॉफी बनाने चलते। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे वो सैंडल्स कहाँ हैं? उमर मेरी जान, ये तुम्हारे नए डिजाइन की जूते की बात कर रहे हैं ना? हाँ। लेकिन मैं वो ऑफिस में ही भूल आई, घर लाई ही नहीं। हाँ। हाँ। क्या वाकई भूल आई? ऐसा करेंगे कि कल हम आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना, फिर हम इसी बहाने मिल लेंगे और साथ नाश्ता भी कर लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले ही देर हो चुकी है, ऐसा करते हैं कल आराम से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना है। शुक्रिया आप सबका। चलते हैं। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है यार? डेफनी, तुम ना होती तो हम क्या करते? वो डेफनी, आज तो तुमने हमें बचा ही लिया। आज तो बच गए लेकिन कल क्या होगा? सही कहा, क्या करेंगे? अरे घबरा क्यों रहे हो? हो सकता है कल तक मिल जाएं। आंटी, शूज गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं,
हो सकता है शायद खो गए हों। मुझे यकीन है कि जूते जरूर मिल जाएंगे। अब देखो ना, मैं जूतों को आवाज भी दे रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तुम ट्राई करती रहो, जरूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ? एक मिनट, क्या हुआ? उमर जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ उमर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आखिर हुआ क्या है, घबरा क्यों रहे हो, ऑफिस क्यों आऊं मैं? मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अगर हिलूंगा तो मर जाऊंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब क्या हो गया इसको? जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। हाँ, जाओ। ठीक है, डेफनी तुम यहाँ रुको और यहाँ की सफाई करवा लेना। सिनान तुम चलो मेरे साथ, वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। अरे नहीं नहीं मेरी जान, वो परेशान नहीं होगा, एक्साइटेड होगा। अच्छी खबर होगी उसके पास, बल्कि हम भी चलते हैं तुम्हारे। अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है ना, हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। हाँ चलो। गोरे कुछ बर्बाद न करते। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठी नहीं रह सकती, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारी यहाँ नहीं वहाँ जरूरत है, हमें जाना होगा। चलो नाच में। अच्छा चलो चलो, चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। अब मुझे भी बताते रहिएगा वरना मैं परेशान रहूंगी ना। सुनते ही नहीं है, कदर ही नहीं है मेरी, अजीब ही लोग हैं यार। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, ना जाने कौन पहनेगी इसे। कैसी हो बेगम? उमर सर बस करें ना, मुझे छेड़े मत आप। आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि जूता मिल गया है। सच कह रहे हैं आप? बहुत खुश हूं मैं। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से कल वो लोग जूते देख सकेंगे, अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छी बात है ना। तो मिस्टर कोरे ने ढूंढे हैं शूज? उम्मीद तो नहीं थी लेकिन वाकई उसे ही मिले हैं, लेकिन जिस तरह उसने मुझे कॉल की मैं तो डर गया था क्या हो गया है। अच्छा होगा कि इसे आप संभाल के रखते हैं इससे पहले कि कहीं खो जाइए। सफाई कर दी है मैंने, काफी कुछ साफ कर दिया है, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा किया तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे ख्याल से देर हो गई है, तुम शुक्रू के साथ चली जाओ। जी बिल्कुल चली जाऊंगी, अल्लाह हाफिज सर। हाँ कल सुबह यहाँ मत आना ठीक है, डायरेक्ट ऑफिस आना, बाकी बातें हम ऑफिस में करेंगे। अल्लाह हाफिज। आपके नाम से दो लोगों हाँ। के लिए रूम बुक है मिस्टर उमर। दो लोगों के लिए? जी सर। ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई? तुम बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कंफ्यूज हैं शायद, अब बताए मुझे। मुझे लगता है तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहती हो। क्या आप यास्मीन मैडम के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहते थे? तुम कुछ भी करती हो अपनी मर्जी से, मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। नहीं आपने नहीं, लेकिन अब बात को इतना मत बढ़ाओ तुम। यास्मीन मैडम ने कहा था मुझे। एक्सक्यूज मी, हमें एक और रूम चाहिए। सर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, हमारे पास रूम ऑलरेडी बुक्ड है। क्या कर सकते हैं, सेमिनार भी तो है। क्या कर सकते हैं, अब तो साथ रहना ही पड़ेगा।
साथ रहना पड़ेगा। डेफनी, जी जी आ रही हूँ। जल्दी आओ, शेड्यूल पर डिस्कस करनी है। आपके सिंपोजियम की स्पीच एक घंटे में है और रात में क्लाइंट के साथ डिनर भी है आपका, बता दिया है मैंने आपको। अब वो यास्मीन का पूछेंगे, उसी ने कॉन्टेक्ट बनाए थे। लेकिन गुजारा मेरे साथ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आगे बताओ। हाँ जी जी कहिए। डेफनी बोले, पहले तो तुम अपना मूड ठीक करो। कैसी शक्ल बनाई हुई है तुमने? कैसी शक्ल? क्या मतलब है कि कैसी शक्ल बनाई हुई? नहीं, मतलब क्या है आपका कि मैं बदसूरत नजर आ रही हूँ? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो या मुझे ऐसा लग रहा है डेफनी? चिल्ला नहीं रही हूँ मैं। चिल्लाऊंगा? नहीं चिल्ला रही हूँ ना मैं। ओ, मुझे लगता है कि मैं चिल्लाई हूँ सच में, वो भी इको के साथ। गला खराब है ना, इस वजह से शायद आवाज पड़ गई। आइंदा नहीं बढ़ाना, ठीक है? नहीं होगा। सेमिनार शुरू होने से पहले कहीं चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। जैसा आप कहें। अंदर जाके क्यों नहीं देखे? मैं जाकर देख लो, अभी हमारे पास सेमिनार के लिए बहुत टाइम है। हाँ अंदर जाके देख ही लेती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट करूँ। ओके। मेरे लिए कबाब और उसके साथ सैलेड वगैरह कुछ ले आना, बाकी मैडम से पूछ लो। अब तुम बताओ। मुझे जो आपने मंगाया वही मंगवा दें, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सेम ले आए। वाह यार, क्या खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छी जगह चूज की है आपने यास्मीन मैडम के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी सोचा है यहाँ पर आने का। क्या सच में? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, कोई खास बात नहीं है।
बस एक सवाल है। अच्छा ठीक है, जो पूछना है पूछो। वो जो शूज थे वो आपको कहाँ से मिले, कहाँ थे वो? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मेरा मतलब बस वही पता है जो सुना मैंने। कुछ नहीं बता सकता, मुझे उतना ही पता है जितना मैंने सुना है, इसके आगे कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? मैं हार नहीं मानूंगा, मालूम करके रहूंगा। अभी सिचुएशन को संभल ले, तो खुद मालूम हो जाएगा किसने किया है। मैं पानी में जा रहा हूँ, तुम नहीं आओगी क्या? ठीक है,